एक्टर शाइनी आहूजा फाइनली नजर आएंगे एक फिल्म में। जी हाँ, शाइनी पर उनकी मेड ने रेप का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में शाइनी से सबने किनारा कर दिया था। यहाँ तक कि रिसेंटली जब शाइनी भट्ट के पास काम मांगने गए थे तो उन्होंने भी शाइनी को अपनी किसी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सुनने में आया है कि डायरेक्टर अनीस बाजमी ने शाइनी को अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक में एक रोल के लिए साइन कर दिया है। अनीस का कहना है कि फिल्म में शाइनी का रोल काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा। अरबाज खान की फिल्म डॉली की डोली में सोनम कपूर के ऑपोजिट एक्टर पुलकित सम्राट का नाम फाइनल कर लिया गया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में मेल लीड एक्टर का रोल कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसे में कोई भी ए लिस्टेड स्टार इस फिल्म में काम करने को लेकर तैयार नहीं होता। ऐसे में अरबाज खान ने फैमिली के करीबी पुलकित को इस फिल्म में साइन कर लिया है। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा को एक प्रमोशनल इवेंट पर आ गया गुस्सा। दरअसल सोनाक्षी कुछ दिनों पहले अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक रियलिटी शो के सेट पर गई थी और वहां सेट पर मौजूद गार्ड ने सोनाक्षी को नहीं पहचाना, जिससे सोनाक्षी को आ गया गुस्सा। बाद में ऑर्गेनाइजर्स ने इस शो पर आने के लिए सोनाक्षी को किसी तरह से मनाया। खबरों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को फिल्म कोचडैया के फर्स्ट लुक लॉन्च पर बुलाने के लिए रजनीकांत ने एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम करवाया है। दरअसल दीपिका अपनी फिल्म की कमिटमेंट्स में इतनी ज्यादा बिजी हैं कि उनके पास इस इवेंट में पहुंचने का वक्त नहीं था। ऐसे में दीपिका के टाइट स्केड्यूल को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट पर आने के लिए उनके लिए एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अवेलेबल करवाई गई है। खबरों की माने तो पॉपुलर कोरियोग्राफर अहमद खान को एक साथ दो फिल्म्स बैंग बैंग और किक के सॉन्ग्स कोरियोग्राफ करने का मौका मिला था और अहमद ने इन दोनों फिल्म्स में से सलमान खान स्टारर किक को कोरियोग्राफ करने का फैसला किया।